सती जी की परम इच्छा है कि मैं यज्ञ में जाऊं अपने पिता के यहाँ। सोच रही ना कि हमारी और बहनें सब आ करके हमारा इंतजार कर रही होंगी, और सब यही सोच रही होंगी घर में कि सब तो आई लेकिन सती जी नहीं आई। सच बताएं सती जी 16 बहन है यार, प्रजापति दक्ष की 16 पुत्रियां थी, 13 पुत्री 13 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया था। एक कन्या का विवाह जिनका नाम था स्वाहा, स्वाहा नाम की कन्या का विवाह अग्नि देवता के साथ किया था। प्रजापति दक्ष की 15 नंबर की कन्या थी जिनका नाम था सुधा, सुधा का विवाह उन्होंने पितृ देवता के साथ किया था। और सबसे 16 नंबर की सबसे छोटी पुत्री थी जिनका नाम था सती, सती का विवाह भोलेनाथ के साथ हुआ था। तो और हमारी जो बहनें हैं वो सब आई होंगी, सब हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी कि अभी सती नहीं आई, सती नहीं आई। अब आप कहते हो निमंत्रण नहीं आया तो नहीं जाना चाहिए, परंतु मेरी इच्छा है जाने के लिए। माताओं को मायके जाने की थोड़ी सी भी थोड़ा सा भी बहाना दिख जाए ना तो बहुत जल्दी झोला लेके तैयार हो जाती। बोली भक्तोत्सल भगवान, सती जी परम इच्छा अपने मन में बना चुकी कि मुझे निमंत्रण में जरूर जाना है, यज्ञ में जरूर जाना है। भोलेनाथ ने बहुत बार समझाने का प्रयास किया कि अगर निमंत्रण नहीं आया है, तुम्हारे पिता ने मुझसे शत्रुता किया है, तो तुम्हारा जाना उचित नहीं है। लेकिन भोलेनाथ की बात भी सती जी मानने के लिए तैयार नहीं। आज सती जी के जीवन की एक और बड़ी गलती होने जा रही है, जिन्होंने पति की आज्ञा की अवहेलना कर दिया और अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ यज्ञ में सती जी जाने के लिए तैयार हो गई। और सती जी जब यज्ञ में जाने के लिए तैयार हुई ना और भोलेनाथ से विदा लेकर के चली, भोलेनाथ की इच्छा नहीं थी परंतु सती जी जबरदस्ती जाने के लिए तैयार। और जब पहुंचती हैं प्रजापति दक्ष के यहां तो सारी बहनें सब दूर से खड़ी होकर के देख रहे हो। सती जी सोच रहे थे सारी बहनें हमारा सम्मान करेंगी, हमारा आदर करेंगी, प्रेम के साथ दौड़ के आके मिलेंगी। सती इतने दिन तक कहां रही, तुझे तो पहले आना चाहिए था यज्ञ में, आज तू आ रही क्यों? परंतु सती जी दूर से ही जब आती हुई बहनों को दिख गई ना तो सारी बहनें आपस में सती को देख करके हंसने लगी। बताओ निमंत्रण नहीं गया था, बिना निमंत्रण के चली आ रही। बोली भक्तोत्सल भगवान, सती जी का सम्मान करने वाला प्रजापति दक्ष की यहां कोई नहीं है। सारी बहनें अरे क्यों ना चली आवे, इनके यहां भोलेनाथ के साथ विवाह हुआ है, न रहने के लिए घर है, न सोने के लिए बिस्तर है, न खाने के लिए अन्न है, तो चाहे निमंत्रण मिले चाहे ना मिले चली तो आएंगी, मजबूरी सामने है। अगर मुझे निमंत्रण न मिला होता तो मैं मर जाती, लेकिन इस दरवाजे पर आती नहीं। सारी बहनें आपस में वार्तालाप करें, सती को देख करके दूर से मुस्कुरा रहे। सती जी से सम्मान की दृष्टि से मिलने वाला संसार सागर में कोई अगर दिख रहा है उस प्रजापति दक्ष के यहाँ, तो केवल सज्जनों केवल अगर कोई दिख रहा है तो एक माँ दिख रही है। याद रखना, संसार सागर में हर कोई बदल सकता है लेकिन माँ कभी बदल नहीं सकती। हाँ, सम्मान देने वाला, आदर देने वाला, सती जी की हाल चाल पूछने वाला अगर कोई है तो केवल एक माँ। संसार सागर में माँ कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, परंतु आज सम्मान देना, आदर देना अगर सती को किसी ने प्रारंभ किया तो केवल माँ।